आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, गिवन क्वेश्चन में हमको बोर्स के पोस्टुलेट का यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है इन nth ऑर्बिट में, और साथ साथ में हमें बताना है कि जो नेगेटिव साइन होता है वो क्या इंडिकेट करता है। तो जो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट था वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, उन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कितने के बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू, वो इक्वल टू होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच पाई के, एन एच अपॉन टू पाई। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर वन थी। साथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वो हमें कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलेगा। तो कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो ये जो आर है ये रेडियस है जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू वी कैन फाइंड आउट दैट द वैल्यू ऑफ आर, आर की जो हमारी वैल्यू है वो निकल के आएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ये क्या निकल के हमारी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसके अंदर हम, रेडियस है हमारी ऑर्बिट की जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वो होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल टू होती है हमारी हाफ एम बी स्क्वायर के, ये इक्वल टू होती है हमारी 1/8 जेड ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर स्क्वायर। ये जो हमारी हाफ एम बी की स्क्वायर की वैल्यू वो हमें को यहाँ से ऑप्टेंड होती है, प्राप्त होती है एम बी स्क्वायर की वैल्यू, आर से आर हम काट देते हैं, 1/4πε0 की यहाँ पे 1/8ε0 क्योंकि 2 का फैक्टर आ जाता है, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमको इस फॉर्मूले से मिल जाती है। साथ साथ में हमें पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जिसकी एक इलेक्ट्रॉन, इसके इसके ऊपर चार्ज है जेड ई और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज है ई, तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 जेड ई ई बाई आर होती है माइनस के, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है वो होती है 1/4πε0 माइनस की जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो जो हमारी टोटल एनर्जी ई हो जाएगी वो होती है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर। ठीक है, जो ई है यहाँ पे जो ई साइन है ये ई रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस एंड इज नॉट टू फ्री टू लीव इट। ठीक है, हियर नेगेटिव साइन सो दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इट इज नॉट फ्री टू लीव इट। ठीक है,
और जो हमारी टोटल एनर्जी ई होती है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ होती है काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी 1/8 जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और टोटल एनर्जी होती है जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ होती है टोटल एनर्जी के। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।